धोखा देके जो मैंने डाइनिंग रूम की वो अबे तो आपको कैसा लगता है धोखा खाना? अब तो आ जाओ ना, मैं फैब्रिक फ्रेशनर है ये मैं यूज करती हूँ। विंटर्स का स्टाफ खोले कि शायद किसी विंटर वाले स्टाफ की कोट की जेब में से 5-10 हज़ार निकलना। ये वाली जो कैबिनेट है इसकी जगह दूसरी वाली कैबिनेट। अभी तो आप अपना किस्सा सुनाना चाहोगे? कौन सा? जो आपने अपनी शादी वाली शेरवानी थी। हम वैसे तो ना आज का दिन मेरा शुरू हो चुका है बहुत देर से, और जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मुझे काम भी याद आ जाता है और आबिद किसी को फोन करके ना ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, दिन ऐसे स्टार्ट हुआ था कि मेरा, क्योंकि जो मैंने आबिद को सरप्राइज दिया था और आबिद को मैंने धोखे से, एक्चुअली शायद मैंने धोखा किया हुआ आबिद के साथ, धोखा देके जो मैंने डाइनिंग रूम की वो। अबित आपको कैसा लगता है धोखा खाना? अब तो आदत हो गई मम्मा। इनको आदत है धोखा खाने की। अच्छा, वो जो डाइनिंग रूम में जो रेनोवेशन वगैरह थोड़ी बहुत चेंजेस करवा रही हूँ उसके लिए मुझे कुछ लेना था। हम लोग मरी रोड गए तो अब मेरा सर मत्था घूमना किसको कहते हैं, मुझे एक्चुअली उसका मतलब समझ आ गया था। शायद लोगों के बाकी स्वेटर्स में से, पिछले साल के स्वेटर्स और कोट में से पैसे निकलते हैं और हमारे बिल निकलते हैं। अच्छा, तो वो समझ आ गई मुझे, क्योंकि पता नहीं गर्मी और क्या, और वो शायद चीज़ें इतनी देख के सिलेक्ट करना सब सख्त सर में दर्द हुई है। फिर वहाँ से हम दोनों गए हैं F8, और F8 से हमने कुछ मदीना की मदीना कढ़ाई की कढ़ाई ली, चिकन कढ़ाई, और साथ हमने गरम नान लिए और घर आए हैं, खाना खाया, और अब ये है पीछे नज़ारा, ये स्वेटर्स रखने लगी हूँ। सीजनल पैकिंग नंबर पार्ट पता नहीं कौन सा व्लॉग। की हाल है जनाब? ठीक हो जी। ये अफजल साहब है, तेरा की नाम पुत्र? अहमद। अहमद, चलो जी तो मर्जी। आपने देखा भी नहीं हमने कितनी चीजें समेटी हैं। और सारे लोग इस उम्मीद पे अपनी विंटर्स का स्टाफ खोलें कि शायद किसी विंटर वाले स्टाफ की कोट की जेब में से 5-10 हज़ार निकलना। अभी तो आप अपना किस्सा सुनाना चाहोगे? कौन सा वाला? जो आपने अपनी शादी वाली शेरवानी थी। हाँ। शादी वाली शेरवानी पहनी बहुत साल के बाद साजू भाई की शादी पे, तो मेरे से छुपा के जो सलामियाँ आबिद ने उसके अंदर डाली थी ना वो निकल आई। और एक और भी आबिद, वो जो आपने वेस्ट कोट जो ईद वाले ईद की नमाज पे, वो अब्बू का था? अब्बू का नहीं था, वेस्ट कोट अब्बू का, शोर कोट की बात हो रही है। खैर मैं नहीं मानती, वो मैंने तो उन्हें कभी ज़िंदगी में नहीं वेस्ट कोट पहने हुए देखा। वेस्ट कोट आबिद को मैंने कहा पहन के जाओ आबिद, ज़रूर जाओ, क्योंकि डैडी पहनते होते थे, मुझे अच्छा लगता था तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और इरशाद उस दिन, तुम समझोगी कि मैं गलत कह रही हूँ, आबिद से पूछ लो। हम लोग अपने पेरेंट्स से, मैं और आबिद बहुत दूर किसी और शहर में थे, बहुत दूर, और हमारा बैंक अकाउंट जो था वो इस्लामाबाद में था और हम वहाँ पर थे, और उन दिनों ये ATM कार्ड वगैरह नहीं होता था। तो एक सेकेंड में दरवाजे बंद करो उधर के सारे, ताकि तो वहाँ तो हमारा पता नहीं संभव, और चेक बुक भी कुछ ऐसा था चक्कर, तो और छुट्टियाँ आ गई। एक्चुअली हमने भी सांबा जाना था छुट्टी पे, और हाँ भाई याद है ना आपको की फ्लाइट्स करवाई हुई थी। हाँ, फ्लाइट हमने PIA से करवाई हुई थी, लेकिन वो एंड टाइम पे कुछ हो गया और हम नहीं जा सके। तो घर में हमारे बिल्कुल कोई कैश नहीं था और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी उन दिनों, क्योंकि 2-3 दिन गुजारने थे और घर में सब कुछ था,
सादे ज़माने थे, कोई इतनी ख़ास ज़रूरतें नहीं होती थी कि ज़रूर आज इसी वक्त मुझे ब्रू खाना खाने के लिए जाना है, इसी वक्त कोई डिज़ाइनर सूट लेना, ऐसा कुछ नहीं था। नई शादी हुई हुई थी तो हमने सोचा घर पे ग्रोसरी भी है और छुट्टियां भी हैं तो हम लोग 2-3 दिन आराम से गुजार लेंगे, और 2-3 दिन के बाद आबिद हमें जाना था ना इस्लाम, तो आबिद तो वेस्ट कोट पहन के नमाज पे गए, ईद की नमाज पे, और वहाँ से वापसी पे आबिद ने सोचा जो थोड़ा सा कैश था आबिद के पास कि मैं कुछ घर के लिए कुछ मिठाई बर्फ़ी उधर बड़ी मशहूर एक मिलती थी वो ले जाऊं। तो जब आबिद ने वेस्ट कोट की जेब में पैसे डाले, हाथ डाला, तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे जो हमारे लिए बहुत थे। अब वो क्योंकि पैसे उस ज़माने में तो 5,000 बहुत पैसे होते थे, मैं बात कर रही हूँ 93 की, लाइक 30 ईयर्स पहले 5,000 काफ़ी पैसे होते थे, लेकिन अब तो जिस तरह 5,000 बेचारे से कुछ आता ही नहीं है। अच्छा जी, चाय पीने लगी हूँ मैं, क्या हो गया है थोड़ा अलमारियों का काम शाम अच्छा सेटल सा हुआ है, और दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरी जो फ्लीस टाइप जो है ना वो है, स्वेटर्स हैं ये वाले, और जीन्स टॉप्स और उनके साथ अलग से हैं, और जो मेरे विंटर्स वाले सेट्स हैं वो यहाँ पर हैं। अच्छा जी, एक और, अच्छा ये ना मैं फैब्रिक फ्रेशनर है ये मैं यूज़ करती हूँ, करवाती हूँ शाद से, और इसमें से ना बहुत अच्छा फैब्रिक फ्रेश हो जाता है आपकी बेडशीट्स वगैरह के लिए बहुत। अच्छा बात यह है कि मैं ना जब पैकिंग सीजनल करवा रही होती हूँ तो मैं दुपट्टे, दो तरह के दुपट्टे वो मैं रख लेती हूँ, जो वो होते हैं ऑफ वाइट और वाइट, ताकि किसी सूट के साथ अगर मुझे पहनने पड़े तो वो अवेलेबल हो मेरे पास। और एक और बात, आपने देखा होगा कि मतलब हमें भी याद है कि सीजन पैकिंग में उसमें धूप वगैरह लगवाती थी मेरी अम्मी, अगर जब समर्स के और विंटर्स की पैकिंग होती थी और अलमारियों में सेट वगैरह होने से पहले। तो अब क्योंकि मैं उस तरह से पैकिंग उसमें ट्रंक्स वगैरह में नहीं करती, और मेरे आपको मैंने दिखाया है कि एक अलमारी से दूसरी अलमारी में चले जाते हैं कपड़े, और उनको प्लास्टिक उसमें रखा होता है, तो वो ऑब्वियसली उनको क्योंकि पूरा टाइम ही हवा लग रही होती है तो ऐसा सच उसको आपको पैक और अनपैक उस तरह से और धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि जो कपड़े आप सुखाएं वो आपको कोशिश करें कि धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप से ना एक फ़ाइबर में शाइन आती है, फाइबर थोड़ा फ्लफी होता है और एक शीन आती है कपड़े में, और दोनों में आप डिफरेंस किसी टाइम खुद देख लेना। अगर आप कोई कपड़ा ड्राई कर रहे हैं पंखे के नीचे या ड्रायर में, और दूसरा कपड़ा आपने सूरज की रोशनी में धूप में सुखाया होता है, दोनों में शायद फर्क होता है ना, बहुत फर्क होता है। टॉवल्स को अगर आप देख, शायद दरवाजे बंद करो प्लीज, टॉवल जो आप रखते हैं धूप में जो सूखते हैं वो बहुत फ्लफी और अच्छे हो जाते हैं, आपको खुद ही फील हो जाएगा डिफरेंस दोनों का। अच्छा जी, इरशाद की बेटी जा रही है, बता दो इरशाद नेक्स्ट मंथ सऊदी अरब, उसके इरशाद के दामाद होते हैं सऊदीया में, तो नादिया जो तुम्हारी चीज़ें भिजवानी है मैं भिजवा दूंगी, वैसे तो अभी कोई चीज़ नहीं है शुक्र अल्लाह का पड़ी हुई मेरे पास, लेकिन जो वो मैंने वुडन ट्रेस कुछ ऑर्डर किए हैं, जब वो आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो ट्रेस टाइप है, वो टेबल के ऊपर रखते हैं और उनके अंदर प्लेट्स में रख के बताऊंगी, तो वो मैंने नादी के लिए भी बनवाई और फेरी के लिए भी बनवाई और सादिया के लिए भी बनवाई हुई है और अपनी पांचवी बहन के लिए भी बनवाई हुई है। और वो ऐसे होगा कि मैं सादिया का तो कोई आने जाने वाला हुआ ओमान भिजवा दूंगी, नादिया ने प्लान करी अल्लाह में खैर खरीत से रखे, जब भी कभी फेरी के पास गई तो वो फेरी का भी ले जाएगी, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन है। एक ना एक मैंने बात करनी थी, एक डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस को लेके, महाराजा हो या F10 वाले जो खान भाई वगैरह जो हैं उनकी मैं प्राइसेस वैसे आपसे आपको बता देती हूँ कि ये प्राइस है और इतने ये मतलब एक एस्टिमेट बता देती हूँ, इनकी कोई फिक्स प्राइसेस तो नहीं है जैसे आप बाटा के शूज़ की या प्रॉपर एक ब्रांडेड एथनिक पे जैसे जाते हैं, तो मैं एग्जैक्ट आपको प्राइस बताती हूँ कि ये 4,995 रुपीज़ का है, आप मेरी वीडियोस देखें। मगर जो ये सारे लोग हैं इनकी तो फिक्स प्राइसेस खुद ही नहीं है, अगर मैं आपको कोई एस्टिमेशन बताऊंगी कि ये अराउंड अगर मैंने वो फॉर एग्जांपल 18,000 का लिया है और आप लोग मेरे से जाके बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं लाखों की करते हैं, तो हो सकता है वो 18,000 की शॉल आपको वो 5 में दे दें
यू नेवर नो। तो मैं वो चीज़ नहीं कर सक करना चाहती जो कि आपने कभी नोटिस किया है कि मैंने जब भी मैं वीडियो भी कर रही होती हूँ ना, तो मैं ये भी नहीं कहती कि ये मैंने कि मैं ये कहती हूँ कि ये इशाद ने ये किया है, इशाद से मैं करवा। जैसे अभी मैं स्प्रे दिखा रही थी तो मैं कह रही थी मैं इशाद से स्प्रे करवाती हूँ अपने बेड्स में, ये भी नहीं कहती मैं करती हूँ। मुझे होता है कि ग्रामर भी ठीक रहे बात की, तो क्योंकि इस चीज़ का मैंने देखा हुआ है कि अगर आपकी बात ज़रा सी कुछ हो जाए तो उसका मफहूम ही चेंज हो जाता है। तो इससे जो प्राइसेस हैं वो मैं एक एस्टिमेशन टाइप बताती हूँ। जैसे जो शर्ट्स हैं और सर्दियों के खान भाई वगैरह के पठान भाइयों के जो सूट्स हैं वो नॉर्मली 2500, 3000, 3500, 2000 इस तरह की वो रेंज में होते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है चीज़ों में जो कि आपको पता नहीं होता, जो उनको पता होता है कि उनको वो सामान कैसे आया है। इतने मुझे धोखेबाज कहा था तो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। देखिए मैं कितने काम करवा रही हूँ आबिद से, ये देखिए इधर आया है और ये देखिए यहाँ पे हटाया है सोफ़ा वगैरह, क्योंकि ये वाली जो कैबिनेट है इसकी जगह पर दूसरी वाली कैबिनेट सेट हो गई है। बातें ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं, काम मुझे लग रहा है थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि जो डाइनिंग रूम वाली कैबिनेट है उसको मैं इधर सेट करवाऊँगी, और वो क्योंकि इतनी मेरी दुआ निकलती है अपने वालदेन के लिए, इतनी अच्छी फिक्स हुई हुई थी उसमें डाइनिंग रूम में कि वो पूरी की पूरी कैबिनेट एज इट इज़ निकल आई है, और वो अब मैं इधर फिक्स करवा लूँगी इंशाल्लाह। वीडियो के आखिर में जो मेरी हालत हो जाती है वो हो गई है, क्योंकि काम बहुत था घर में। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे किसी और बात के साथ, एक और नए दिन के साथ।